टमाटर जाज़्बे नज़र रंगत का हामिल एक खूबसूरत फल है। बतौर फल तो ये कम ही इस्तेमाल होता है, अलबत्ता ये बहुत से खानों का लाजमी जुज़्व है। टमाटर से रस, पेस्ट और केचप के अलावा बहुत सी मस्तुआत तैयार होती हैं। साजगार मौसमी हालात के बाइस पाकिस्तान में टमाटर वसी पैमाने पर काश किया जाता है। टनल फार्मिंग टेक्नोलॉजी की बदौलत टमाटर की पैदावार में इजाफा हो रहा है। टमाटर को ज्यादा अरसे तक महफूज नहीं रखा जा सकता। टमाटर के बाद अस बर्दाश्त नुकसान बाज औकात 30% से भी बढ़ जाते हैं। बर्दाश्त के मौसम में इसकी भरपूर पैदावार और अरजानी के बायस काश्तकारों की पैदावारी लागत भी पूरी नहीं होती, जबकि मौसम खत्म होने पर टमाटर के निर्ख आसमान से बातें करने लगते हैं। बर्दाश्त के मौसम में टमाटर की बहतात के दौरान इसे मसनूआत की शक्ल में महफूज करके काश्तकार अपनी आमदन में इजाफा कर सकते हैं। टमाटर की पेस्ट बनाकर महफूज करना नहायत ही आसान है, और जब मंडी में टमाटर दस्तयाब ना हो या बहुत महंगे हों तो ये पेस्ट सारफीन बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट की तैयारी, याद रखें पेस्ट बनाने के लिए सेहतमंद, ताज़ा और अच्छी तरह पके हुए टमाटर मुंतखब करें जिनमें कुदरती चमक मौजूद हो और ये ज़्यादा नरम ना हो। खूब साफ करने के लिए इन्हें पानी से अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद इन्हें लंबाई के रुख बारीक टुकड़ों में काट लें। काटे हुए फल को हल्की आंच पर पकाएं और वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते जाएं ताकि ये खूब गल जाएं। आमेजे को आम ब्लेंडर से हल्का शेक करें और बीज और छिलके अलहदा करने के लिए अच्छी तरह छान लें। छाने हुए पल्प को खूब गाढ़ा हो जाने तक दोबारा पकाएं। गाढ़ापन चेक करने के लिए तकरीबन 1.5 चम्मच पल्प एक प्लेट में डालकर प्लेट एक तरफ को झुकाएं। अगर पानी बहता हुआ नजर आए तो मजीद गाढ़ा करने के लिए महलूल को फिर से पकाएं, हत्ता के महलूल पानी छोड़ना बंद कर दे और पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। एक कप में थोड़ी सी पेस्ट लें और इसमें 1 ग्राम सोडियम बेंजोएट फी किलोग्राम पेस्ट की शरह से डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इस आमेजे को बाकी पेस्ट में अच्छी तरह मिला दें। इसके बाद पेस्ट को ठंडा करके शीशे के जार या बोतलों में डालकर साये में खुश जगह पर स्टोर करें। ये पेस्ट घरेलू सार्फिन के लिए नहायत ही सूदमंद है, और जब मार्केट में टमाटर दस्तयाब ना हो या इंतहाई महंगे हों तो ताज़ा टमाटरों की बजाय खानों में टमाटर पेस्ट इस्तेमाल की जा सकती है।